पत्रकार अर्णव गोस्वामी साथ किए गए अभद्र व्यवहार और पुलिस हिरासत में लेने को लेकर बेटमा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रेस क्लब ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार बजरंग बहादुर को दिए ज्ञापन में पत्रकारों ने इस घटना की निंदा की है। सभी पत्रकार अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित हुए और रैली के रूप में तहसील कार्यालय बेटमा पहुंचे। प्रेस क्लब अध्यक्ष धन्नालाल बड़गुजर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन वाचन पत्रकार भूपेंद्र पंचोली ने किया। आभार उमेश सोलंकी ने माना। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। रिपब्लिक न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा देशपूर्ण कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में आज बेटमा के समस्त पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर के राष्ट्रपति को आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों और अन्य क्रियाकलापों को लेकर के अपनी बात रख रहे थे, उन सभी बातों को लेकर के महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके दमनपूर्वक उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसकी बेटमा के प्रेस क्लब साथी एवं यहाँ के जितने भी पत्रकार हैं वो उसकी कड़ी निंदा करते हैं और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। आज बेटमा के पत्रकारों की ओर से एक सामूहिक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी जी के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है उसके विरोध में यहाँ सामूहिक ज्ञापन दिया गया है और आपके द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है उसको शासन की ओर प्रेषित कर दिया जाएगा। जो न्यू रिपब्लिक के जो एडिटर जो संपादक है उनके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार ने की है, उनको बेगुनाह जेल में भेजा है, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई वो बेटमा प्रेस क्लब द्वारा ये सभी पत्रकार द्वारा उसका बहिष्कार किया जाता और उन्हें तत्काल रिहा किया जाए या और सरकार को महाराष्ट्र सरकार को तत्काल सस्पेंड करे जाए। यही हमारी सब प्रेस क्लब के साथी गणों का उद्देश्य है और हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि सरकार शीघ्र शीघ्र उनको रिहा किए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।